हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। और आपका छोटा भाई फिर से आ गया है, कबीर सिंह। आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनना और आप मेरी कही हुई बात के अनुसार चलना। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करोगे, अगर इनके अनुसार चलोगे तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। और जो कायर होंगे ना, वो इस बात को नहीं समझेंगे, और जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। चलिए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। पिता की शक्ति को बर्दाश्त करो ताकि काबिल बन सको। अपने पिता की बातों को गौर से सुनो ताकि दूसरों की सुननी ना पड़े। अपने पिता के सामने ऊंचा मत बोलो ताकि ऊपर वाला आपको दुनिया में नीचा दिखा देगा। अपने पिता का सम्मान करो ताकि आगे चलकर आपकी संतान आपका सम्मान करे। अपने पिता की इज्जत करो ताकि इसका आप फायदा उठा सको। अपने पिता का कहना मानो ताकि आप खुशहाल रह सको। अपने पिता के सामने नजरें झुकाकर रखो ताकि ऊपर वाला दुनिया में आपको आगे रखे। पिता एक किताब है जिस पर अनुभव लिखा गया है। अगर आपके पिता के आंसू अगर आपके सामने गिरे तो ऊपर वाला आपको दुनिया से ही गिरा देगा। पिता एक हस्ती है। माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है, पर पिता का भी कुछ कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है, पर पिता स्वर्ग का दरवाज़ा। अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो अंदर आप कैसे जाओगे। जो गर्मी हो या जाड़े, अपने बच्चों की रोजी रोटी के फिक्र में परेशान रहता है। ना कोई पिता का जैसा प्यार दे सकता है, ना कर सकता है अपने बच्चों से। याद रखें, सूरज गर्म जरूर होता है, अगर डूब जाए तो अंधेरा छा जाता है। आइए आज सब मिलकर उस अजीम हस्ती के लिए कामना करते हैं। है ऊपर वाले, हमारे पिता को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना, और उनकी तमाम परेशानी को दूर कर उन्हें हमेशा हमारे लिए खुश रखना। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरी बात कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारी इस तरह की ही वीडियो देखना चाहते हो ऐसी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो तुरंत देख सको। चलिए भाइयों, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।